आज मैं आई हूँ मिथुन राशि वालों को एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताने जिसको करने से आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वालों की समस्या ये है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचने की वजह से आप स्वयं ही अपने काम को बिगाड़ लेते हैं, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस सबको सुधारा जाए। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। करा कृपा सती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्र कहते हैं कि हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में सरस्वती बसती है और मूल में ब्रह्म बसते हैं। यानी व्यक्ति को रोज सुबह अपने हाथों का दर्शन करते ही इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आए तो धन की कभी कमी ना हो, माता सरस्वती की कृपा हो तो उसके जीवन में ज्ञान और विद्या दोनों ही बने रहे, और ब्रह्मा जी जो कि सृजन का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है, इस जीवन के नव निर्माण का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, ब्रह्मा जी की कृपा से हमारे जीवन में ये सारी चीजें आए। हमारे हाथ ही जो है वो हमारे कर्मों को साकार रूप दे सकते हैं और अपने कर्मों से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है और अपने हाथों को किसी विशेष प्रकार से मोड़ने से, हिलाने से, उसे कुछ मुद्राओं में रखने से हम अपने भाग्य को, अपने गुड लक को, अपने फॉर्च्यून को और जी हाँ अपने जीवन की परेशानियों को भी दूर भगा सकते हैं। ये एक गोपनीय रहस्य है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो करोड़ों करोड़ों में से किसी एक साधक को मालूम होता है, किसी एक एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिष आचार्य को ही मालूम होता है। ये जो विज्ञान है ये मंत्र शास्त्र और उपासना शास्त्र में हमें मिलता है, और आज इस YouTube की सीरीज के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी राशि अनुसार जन जन तक ये उपाय पहुंचाने वाली हूं, ताकि आप सभी अपने भीतर में छुपी जो ऊर्जा है उसका ठीक प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सके, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपॉइंटमेंट ले सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने से आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसे अगर हम नियंत्रित कर लें तो हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि अपना भाग्य हम बदल सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ना तो मुझे आपसे कोई फीस चाहिए, ना ही मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा चाहिए, फ्री आपको आज ही उपाय बता रही हूँ। इसे अगर श्रद्धा और विश्वास से करोगे, क्योंकि ये तो मैं आपसे हर वीडियो में मांगती हूँ, अगर आपको श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय फलित नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास से करोगे तो जरूर आपको ये जो उपाय है ये फलित होगा। और जो लोग सालों सालों से हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे द्वारा ली गई जो दक्षिणा है वो किन कार्यों में प्रयोग होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन आप सभी मेरा परिवार है और समाज में कुछ कार्य कर रही हूँ जिससे समाज का कल्याण हो सके। जो दक्षिणा हम आप लोगों से लेते हैं वो हमारे मंदिर के संचालन के लिए प्रयोग होती है। आपके लिए जो वीडियोस बनते हैं, जो लोग आपसे बात करते हैं, हमारी जो टीम है, उन सबका तो घर परिवार है, तो उन सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी है। उन सबके घर में बिना किसी चीज के, बिना किसी परेशानी के वो लोग काम कर सके, उस सबको भी मुझे ही देखना है। और जो लड़कियों को पिछले 8-9 वर्षों से मैं कंप्यूटर की एजुकेशन दे रही हूँ बिल्कुल फ्री, अगर मार्केट में वो बच्चियाँ इस कोर्स को करेंगी तो 5 लाख रुपये उनका खर्चा आता है 2 या 3 साल, वो हम अपने मंदिर के द्वारा आप लोगों की सहायता से बिल्कुल फ्री पिछले 8-9 वर्षों से करा रहे हैं, जिससे कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो उनके टीचर्स, उनके कंप्यूटर, उनका जो सेंटर है उसका खर्चा, वो सारी चीजें ही हमें व्यवस्थित करनी होती है।
साथ ही आप जानते हैं कि लंगर प्रसाद सेवा होती है, हर शनिवार को मंगलवार को प्रसाद बांटा जाता है गरीबों के बीच में, तो उसके लिए प्रयोग की जाती है। और साथ ही अभी हमारे गुरुमा फाउंडेशन की ओर से एक किचन का निर्माण हो रहा है, जहां पर हमारा एक ही मिशन है कि आसपास का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो इन सभी कार्यों के लिए माता लक्ष्मी की कृपा तो आवश्यक है और आप लोगों का साथ भी बहुत अनिवार्य है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग दक्षिणा देने में असमर्थ हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, गुरुमा आपके साथ है। YouTube के माध्यम से ऐसे मैं उपाय आपको बताती रहती हूँ जिसे करने से अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और उसी में से ये उपाय है, इसे करने में भी आपको कोई खर्चा नहीं आएगा और इसके करने के बाद जो इसके चमत्कार होंगे उसको देख के आप स्वयं ही दंग रह जाएंगे। हमारे द्वारा बताए गए YouTube पे जो उपाय है उन्हें करने से कितना लाभ होता है ये मैं नहीं कहती, आप ही लोग मुझे आकर के बताते हैं। चलिए एक भक्त से मिलते हैं, मुंबई में वो रहती है, उन्होंने YouTube पर हमें देखा, उपाय किए और उसी से उनको कितना लाभ प्राप्त हुआ, चलिए जानते हैं। जय शनिदेव। गुरु माँ, आज मुझे फिर एक अनुभव आया। कल मैंने रात को आपकी राशि देखी, वृक्षिक राशि वाले को कौन से कपड़े सूट होते हैं, फिर मैंने आज वो उपाय किया। मैंने कहा चलो आज आजमाते हैं वो उपाय भी करके, जो जो गुरुमा बोलेगी वो मैं करूँगी। फिर मैंने आज रेड ड्रेस तो नहीं मेरे पास, पर दुपट्टा था मेरे पास लाल, तो आज तो मैंने दिन भर वही लिया था दुपट्टा, उसको तो मेरे बदन पे से हटने भी नहीं दिया मैंने। आज मैं वो दुपट्टा ही लेके घूम रही थी दिन भर, काम भी उसी दुपट्टे को लेके कर रही थी। पर आपकी राशि देखी मैंने रात को, बोला देखो शूट आपको सूट होता है लाल कलर, और जो मैंने इच्छा मन में बोली थी आज सुबह उठते ही, वो इच्छा मेरी सच में पूरी हो गई। गुरु माँ आप ग्रेट हो, और शनि देव तो एकदम ग्रेट, मींस मैं उनकी कितनी पूजा करूँ क्या नहीं करूँ मैं बता नहीं सकती गुरु माँ। पर आज जो आपने मुझे उपाय बताया था कपड़ों का, मैंने आज वो कपड़ा पहना है। रात को मेरे पास बिछौना तो लाल कलर का नहीं था गुरु माँ, तो मैंने दुपट्टा ही बिछा दिया था और उसके ऊपर मैं सोई, मीन्स बिछौना के ऊपर दुपट्टा डाल के सोई। पर जो आपने बोला था कि अनुराधा डरना नहीं, पर मैं आपकी राह पे चलने लगी, हमेशा ज़िंदगी भर चलूँगी आपकी राह पे। पर आज मुझे फिर एक अनुभव आया, जो मैंने सोचा था वही हुआ, और मैं क्या कुछ बता नहीं सकती गुरु माँ, मैं इतनी खुश हूँ कि सच में। बस जय शनिदेव, बेस्ट शनिदेव, मेरा तो भगवान ही बन गया। और आपने बोला था हनुमान जी का मंत्र जपो, चंद्र का मंत्र जपो, मैंने आज वो भी किया और सच में मुझे अनुभव आया गुरु माँ, ग्रेट यू आर गुरु माँ, सच में आप बहुत ग्रेट हो। शनि भगवान, हनुमान जी, सच में आपने जो बोला था मैंने किया और मुझे अनुभव आया, बहुत अच्छा अनुभव आया। जय शनिदेव। रोज सुबह केवल 5 मिनट आपने अपने हाथों को कुछ विशेष प्रकार से घुमाना है, कुछ विशेष प्रकार की मुद्राओं में रखना है, और आप देखेंगे कि 21 दिनों के भीतर भीतर आपके जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं सभी आपका साथ देने लगी हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लग गई। ये जो रहस्य आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो विशेष उपाय है, ये मेरी साधना काल के दौरान हमारे गुरुजी परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी ने हमें दिया था और आप ही लोगों के कल्याण के लिए दिया था। ये एक आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी उपाय आपको YouTube पर भी बताए जाते हैं वो बेकार में नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। बहुत से लोग हैं YouTube पे, अगर आप देखें बड़े बड़े नाम है, नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो सब केवल किताबें पढ़ के आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आपको हमारे गुरुजी के 30 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उसका एक्सपीरियंस का फल मिलता है। मेरे 10 साल की जो प्रैक्टिस है उसका फल मिलता है, क्योंकि जब हम किसी को उपाय बताते हैं, लोग जब उसे करते हैं, तो ही पता चलता है कि वो उपाय कितना फलित है, कितना वो लोगों को लग रहा है, कितना प्रभाव दे रहा है। तो मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जो मैंने किताब में पढ़ा हो, या केवल वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, या पब्लिसिटी के लिए बता दिया। मैं वो ही उपाय बताती हूँ आपको जो सच में लोगों पर मैंने आजमाए हैं और वो काम करते हैं।
हमारी जो उंगलियां होती है वो पांच तत्वों से मिली हुई है। सबसे पहला जो तत्व है जिसे अग्नि, जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है यानी कि फायर एलिमेंट। दूसरा ये जो हमारी तर्जनी उंगली है इंडेक्स फिंगर, ये है एयर एलिमेंट यानी कि वायु। जो हमारी तीसरी उंगली है यानी मिडल फिंगर मध्यमा उंगली, ये जो है ये है ईथर यानी आकाश। इससे जो जुड़ा हुआ है वो है पृथ्वी, ये अनामिका उंगली है। और जो सबसे छोटी उंगली है यानी जिसे हम कनिष्का भी कहते हैं, वो जो उंगली है वो जुड़ा हुआ है पानी से, वाटर एलिमेंट से, जल से। और ये पांच तत्व हमारे हाथों में ही रहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे दबाने से, जिस पे काम करने से हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कितने खराब ग्रह क्यों ना हो, कितने भी उपाय आपने कर लिए हो, लगनाए रहे हो, लेकिन इसको करके जरूर देखना, क्योंकि आप स्वयं ही चमत्कार से दंग रह जाएंगे। आपको खुद पता नहीं है कि आपके शरीर में क्या क्या छुपा है। आयुर्वेद इस बात को मानता है कि जितने भी रोग हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में ही उनका उपचार छुपा है। इसी प्रकार से ज्योतिष और जो पामिस्ट्री है, हस्तरेखा जो लोग देखते हैं, वो भी इस बात को देख करके दंग रह जाते कि हमारे शरीर की ऊर्जा से ही हमारे सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हाथ में ग्रह भी है, यानी कि अगर हम देखें ये जो अंगूठा है इसके अंदर मंगल वास करते हैं। जो हमारी पहली उंगली है ये गुरु की उंगली है, ये हमें मार्ग दिखाती है, ये गुरुदेव है। जो हमारी ये दूसरी उंगली है ये है शनि की उंगली, तीसरी जो उंगली है ये है सूर्य की उंगली, और चौथी जो उंगली है ये है हमारी बुध की उंगली। और यहाँ पर चंद्रमा वास करते हैं, यहाँ शुक्र वास करते हैं, ऊपर राहु होते हैं, यहाँ केतु होते हैं। सारे के सारे नौ ग्रह हमारे हाथ की हथेलियों में ही है, इसी के पर्वत उन सभी उंगलियों के नीचे। और ऐसे ही राशियां भी हमारे हाथ में ही होती है, केवल हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करना है। तो आज वही रहस्य मैं आपको बता रही हूँ। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे, समझ ना आए तो दोबारा देखे, तिबारा देखे, लेकिन पूरा इसको देख करके आप अपने हाथों के अंदर ही अपने ग्रहों का रहस्य, अपनी राशि का रहस्य जान जाएंगे। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने हमारे हाथ के अंदर कुछ ऐसे बिंदु खोजे जिन्हें दबाने मात्र से हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, उसके ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। और अपने हाथों को कुछ विशेष मुद्राओं में बनाने से हम अपने दुख दर्द को हटा सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, हम जीवन में सुख संपत्ति ला सकते हैं और मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। और कोई भी कष्ट अगर जीवन में आ रहा है तो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से उसको ठीक करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने हाथों में राशि कैसे देखें। हमारा जो एक हाथ है उसके अंदर ही यहाँ पर इन उंगलियों में सारी राशि विराजमान है, यानी कि जो पहली उंगली का जो पहला पॉइंट है, जो ये फ्लैंक है, इसके अंदर जो पहला, इसे हम मेष कहते हैं, एरीस। यहाँ पर जो राशि है वो है वृषभ यानी कि टॉरस। तीसरे में होता है मिथुन यानी कि जेमिनी। अब यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ होता है कर्क यानी अनामिका उंगली का जो पहला भाग है उसमें कर्क विराजमान होता है, कर्क राशि। जो दूसरा भाग होता है इसमें सिंह राशि यानी कि लियो। तीसरे में कन्या यानी वर्गो। इसमें कनिष्का उंगली के पहले भाग में आपको मिलेगा तुला यानी लिब्रा। यहाँ पे होता है वृश्चिक, बीच में स्कॉर्पियो और तीसरे लास्ट में होता है कनिष्का के धनु यानी कि सैजिटेरियस। और फिर बीच की उंगली में, मध्यमा उंगली में आएंगे तो यहाँ पे होता है आपका मकर राशि, यहाँ होती है आपकी कुंभ राशि और यहाँ होती है आपकी मीन राशि। और इनको हम प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए आपकी राशि अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने ग्रहों को अपने हाथ की मुद्राओं से ही ठीक कर सकते हैं। उपाय पे बढ़ने से पहले आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रही हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरु माँ हमें उपाय फायदा नहीं करता, हम कोई भी उपाय कर ले, कहीं भी चले जाएं, कोई उपाय नहीं लगता, कुछ नहीं होता। देखो इसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपके जीवन में एक सच्चा सद्गुरु नहीं है। हमारे करे हुए उपाय, टोटके या कोई भी दान पुण्य, अच्छा काम, शुभ काम, ये सारे ही तभी प्रभाव करते हैं जब हमारे जीवन में हमारे सर पे गुरु का हाथ हो।
अगर एक सच्चा सदगुरु आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आपका आधा जीवन व्यर्थ है। तो अगर आप अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाए हैं तो आप अभी भी देर नहीं हुई है, गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं या मुझसे भी आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नीचे जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं उनमें से किसी पर भी आप संपर्क करें और वहां पर आप बता सकते हैं कि हम दीक्षित होना चाहते हैं, दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको सारी बात समझा देंगे कि किस प्रकार से आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्या नियम होते हैं और क्या उसके लिए करना होता है। लेकिन जीवन में चाहे कहीं से भी गुरु बनाए, लेकिन गुरु अवश्य बनाए, क्योंकि गुरु के बिना ना पूजा, ना दान, ना पुण्य, ना उपाय, ना कोई टोटका, कुछ भी कभी फलित नहीं होता है। तो इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष उपाय की, उस रहस्यमय उपाय की, जो आज से पहले ना कभी आपने सुना है और करने के बाद उसका चमत्कार देखकर आप स्वयं ही दंग रह जाएंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है, जन्म कुंडली के अनुसार यानी कि जेमिनी है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर जो स्क्रीन पर अक्षर आ रहे हैं उसमें से किसी एक से प्रारंभ होता है, तो ये है वो मुद्रा जिसे हर रोज बस 5 मिनट बनाने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसमें एक ऐसी चीज अनुभव कर सकते हैं जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस नहीं की है। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह का ही चयन करें, लेकिन अगर सुबह आप जल्दी निकल जाते हैं अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, तो आप रात्रि के समय सोने से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। इस उपाय को करने के लिए आप नीचे कोई आसन बिछा लें और उस पर नीचे आप पालती मार करके यानी सुख आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, हाफ पद्मासन लगा सकते हैं या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपकी पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा होकर के बैठ। अगर किसी व्यक्ति को घुटनों की समस्या है या वो नहीं नीचे बैठ सकते हैं, ज़्यादा वेट की प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, तो कुर्सी पे बैठ करके या बिस्तर पे बैठ के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें जो मुद्रा बनानी है, हाथ तो कुछ इस प्रकार से मोड़ना है, वो है ज्ञान मुद्रा। अपनी हाथ की हथेली को आप लीजिए और अपनी पहली उंगली, जो कि मैंने बताया आपको क्या है, आकाश तत्व और ये है अग्नि तत्व, दोनों तत्वों को मिलाते हुए बिल्कुल इस प्रकार से अपने घुटने पे ऊपर की तरफ आपने रखना है, जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है उस प्रकार से आप रखेंगे। इस प्रकार से ऊपर को आप रखें और अब आपने गहरी लंबी सांस लेनी है, जोर से गहरी लंबी सांस लीजिए और जोर से उस सांस को छोड़िए, बार बार सांस लेनी है, छोड़नी है। 5 मिनट तक आपने ज्ञान मुद्रा में ब्रीद इन और ब्रीद आउट बस इतना करना है, सांस लेनी है गहरी, सांस छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, और जितनी जल्दी कर सके आप ये उतना अच्छा है। इसको करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, फोकस बढ़ता है, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो बहुत जल्दी हम विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान चला जाता है, किसी चीज को हम याद नहीं रख पाते या नींद बहुत आती है, फोकस नहीं है दिमाग में, तो वो सारी चीजें भी इससे दूर होंगी और आपको अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उसके बाद आपने जो दूसरी मुद्रा बनानी है वो है आदि मुद्रा, यानी कि ये करना दोनों ही हाथ से है, सारी मुद्राएं दोनों हाथ से बनानी है। आपने आदि मुद्रा बनानी है, यानी कि अंगूठे को यहाँ कनिष्ठिका के नीचे ले लीजिए और अपनी दोनों सारी उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लीजिए और इसे अपने घुटनों के ऊपर रखना है, जैसे फोटो मेरा दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से आपने इसको रखना है और फिर से 5 मिनट के लिए, अगले 5 मिनट के लिए गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और जितनी फास्ट आप कर सकें, जितनी जल्दी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करिए। इसे आदि मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं बालक सबसे पहले माता के गर्भ में इसी मुद्रा को अपने हाथ से बनाता है और इससे हम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाता है या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आदि मुद्रा को करने से ठीक होती हैं और ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बढ़ता है, ईश्वर से हमारा जुड़ाव बढ़ता है, हमारे भीतर की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा बढ़ती है। अब आपको बनानी है मातंगी मुद्रा। दोनों हाथों को आप साथ में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद सारी उंगलियों को एक दूसरे के बीच में फंसा लीजिए
और बीच की जो मध्यमा उंगली है आपकी मिडल फिंगर है उसको इस प्रकार से दबाइए और सारी उंगलियों को ऐसे ही रहने दीजिए। अब जोर से गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए और कोशिश करिए कि 5 मिनट आप इस प्रकार से मुद्रा बनाए रहें। अपनी कोहनियों को आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए। जोर जोर से गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इस मातंगी मुद्रा को बनाने से आप जो बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो कम होगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जो छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, चिंता कर लेते हैं, एंजाइटी बढ़ा लेते हैं, ये सभी चीजों में आपको आराम मिलेगा। एकदम सही सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ में अगर आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी रात को नींद नहीं आती, दिमाग हर समय चलता रहता है, तो इन सभी चीजों में मातंगी मुद्रा को प्रयोग करने से बहुत ही लाभ होता है। इसके बाद आपने करनी है मेरुदंड मुद्रा, यानी कि आप अपने दोनों हाथ का जो अंगूठा है उसको ऊपर की तरफ करेंगे और अपनी सारी उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे और ऐसे ही ऊपर की ओर करते हुए आप अपनी घुटनों पे अपने हाथों को रखें और गहरी लंबी सांस लें। बस इस बात का ख्याल रखें कि इसको आप एकदम सीधा रखें, खींच के रखें, जैसे ये आपकी स्पाइन है, मेरुदंड है, और इसे जोर जोर से सांस लेते हुए छोड़ते हुए आप इसी प्रकार से इस पोजीशन को होल्ड करिए, इस मुद्रा को बनाए रखें और आप देखेंगे कि अचानक से बहुत सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। आपको अचानक से बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होंगे, कुछ लोगों को कुछ चीजें दिखाई दे सकती हैं और बहुत सारा आपको जुड़ाव ईश्वर से महसूस होगा। आज से पहले जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा ऐसे अनुभव भी आपको हो सकते हैं। मन में बहुत सारी चीजें आपकी भरी हुई है, बहुत दुखी है, अंदर मन से परेशान है, वो सारी ब्लॉकेजेस भी आपकी खुलेंगी और सभी कष्टों का निवारण आपका होने लगेगा। और अंत में जो मुद्रा बनानी है वो है कुबेर मुद्रा, यानी कि आपने अपने पहली दोनों उंगलियों को अंगूठे से जोड़ना है और जो बाकी की दोनों उंगलियां हैं उसको अंदर की तरफ जोड़ना है। इस प्रकार से आपने कुबेर मुद्रा बनानी है। कुबेर मुद्रा धन को आकर्षित करने के लिए होती है, इच्छा पूर्ति के लिए होती है। आपने इस मुद्रा को 5 मिनट बनाना है। वही गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए और उसके बाद अंत में 5 मिनट बाद आपने अपने मन में जो भी इच्छा आपकी है, जो भी मनोकामना आपकी है, उसको आपने याद करना है। अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकें, यानी कि देख सकें, तो आप उसको अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयास करें, जो भी इच्छा है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी है तो आप बहुत सारा पैसा अपने सामने अनुभव करें, देखें, विजुअलाइज करें कि बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है। या जीवन में प्रेम की कमी है, मान सम्मान की कमी है, तो इसी प्रकार से देखें कि लोग आपको सम्मान दे रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं। जो भी आपकी इच्छा है उसको देखने का प्रयास करें, विजुअलाइज करें। 21 दिन तक इस उपाय को करिए और देखिए क्या चमत्कार आप अनुभव करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय को करने के बाद आप हमारे यहाँ अवश्य फोन करेंगे और हमें धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे। बस आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, उसे एक बनाए रखिएगा कृपया करके, और जो आपको वास्तव में जीवन से चाहिए उसी को मांगिएगा। क्योंकि हम लोगों को इतने मासूम बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे, ठीक से हमें मांगना भी नहीं आता। क्या मांगे ईश्वर से ये भी समझ नहीं आता। कभी धन मांगते हैं, कभी प्यार मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। हम भी कंफ्यूज और भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसी ही एक बहुत रोचक कहानी आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी इच्छा को भगवान के सामने कैसे व्यक्त करें और उनसे मांगें कैसे। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो जन्म से ही नेत्रहीन थी और भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। चाहे उसे दिखता नहीं था, लेकिन उसके मन के भावों में बहुत गहराई थी। वो पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से गणेश जी का ध्यान करती थी, उनकी पूजा करती थी जितना यथा संभव होता था। एक दिन गणेश जी प्रसन्न हुए उसकी पूजा अर्चना से और उस माई के सामने प्रकट हुए और कहते हैं कि हे माई, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू जो भी वरदान मांगना चाहती है, एक वरदान देने के लिए मैं तुझे बाध्य हूँ। अब माई बहुत कंफ्यूज हो गई, उसे समझ ही ना आए क्या मांगू। कहती है, प्रभु आज तक तो कुछ मांगा नहीं, तो मुझे आदत नहीं है। आप ऐसा करिए, आप कल आइएगा, मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा करके फिर आपको बताती हूँ। गणेश जी उसके भोले भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल तुझसे मिलने आता हूँ।
अब उसने अपनी बेटी और बहू से कहा तो बेटा कहता है, माँ हम कितने गरीब हैं, कितने निर्धन हैं, तुम पैसा मांग लो कि बहुत सारा पैसा हमारे पास हो जाए, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहू कहती है कि माँ जी, हमारे यहाँ हमारा वंश बढ़ाने के लिए अब तक कोई बेटा नहीं हुआ, तो आप गणेश जी भगवान से हमारे लिए बेटा मांग लीजिए। अब बूढ़ी माई सोचने लगी, अरे ये दोनों तो अपनी अपनी में लगे हैं, पैसे और पोते का मैं क्या करूंगी। तो उन्होंने अपनी पड़ोसन से सलाह मशवरा करने का सोचा। पड़ोसन अच्छी थी, उन्हीं की उम्र की थी। उसने कहा कि अरे क्या करेगी तू ये सब मांग के, तो ऐसा कर तू गणेश जी भगवान से अपने लिए आंखें मांग ले, दृष्टि मांग ले, ताकि तू इस सृष्टि को देख सके। आज तक तू इस सृष्टि को देख नहीं पाई है, कुछ ही तो तेरे जीवन के पल बचे हैं। बूढ़ी माई ने विचार किया और अगले दिन जब गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए तो गणेश जी ने पूछा कि माई सोच लिया, क्या मांगना है बताओ, एक वरदान देने के लिए मैं तुझे बातें हूँ। अब माई बहुत सोच विचार में पड़ गई, जो देखो उसकी अलग इच्छा है और गणेश जी कहते हैं एक ही वरदान दूंगा। तो माई ने बहुत सोच समझ के कहा कि प्रभु मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। गणेश जी भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो बहुत ही चालाक निकली, तूने तो मुझे ठग लिया, एक ही वरदान की बात हुई थी और तूने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जब तक तेरे घर में धन नहीं होगा तो सोने के गिलास में तेरा पोता दूध कैसे पिएगा। तूने अपनी बहू के लिए पोता भी मांग लिया और उसे देखने के लिए आंखें भी मांग ली। कोई बात नहीं, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, ये सारी ही चीजें सत्य होंगी। और समय के साथ ऐसा ही हुआ। उस बूढ़ी माई का जो बेटा था उसने एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार में उससे बहुत सारा लाभ हुआ। उस धन से उसने अपनी माता की आंखों का इलाज कराया और उसकी दृष्टि वापस आ गई और दूसरी ओर उसके घर में पोता हुआ और सोने के गिलास से दूध पीते हुए अपने पोते को उस माई ने देखा। तो इसीलिए जो भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो, क्योंकि ईश्वर तो उसे पूरा कर देंगे, लेकिन क्या तुम उसे संभाल पाओगे। बहुत से लोग हैं सोचते नहीं है, केवल मांगना 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 करते रहते हैं। और सच कहूं, अगर भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना, आप खुद परेशान हो जाओगे। इसलिए जो भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो, एक ही मनोकामना रखो जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। तो इस प्रकार से सोच विचार करके ही मांगिएगा। आज इस वीडियो को आप यहीं समाप्त कर रही हूँ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप जानते हैं हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आपके पास है, आपकी स्क्रीन पे है, उसको सेव कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आपके घर परिवार में या किसी भी व्यक्ति को, हम आपके लिए उपस्थित हैं। और हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आप ही लोगों के प्यार की बदौलत 17.5 लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और निरंतर वो संख्या बढ़ती जा रही है। आज आप सभी को आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके कार्यों को बनाने में जुट जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।